मेरा नाम बिलाल रौफ है और मैं CSWIP वेल्डिंग इंस्पेक्शन सर्टिफाइड हूँ। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि यार ये इसका क्या स्कोप है, या इसकी क्या ट्रेनिंग्स होती हैं, या इसकी फ़ीस क्या है, या इसका इंस्टीट्यूशन कौन सा है जहाँ से ये होता है, तो या इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं कोशिश करूँगा हर तीसरे या चौथे दिन इसको अपलोड करता रहूँ, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो। ये क्वारंटीन के दिन चल रहे हैं, मैं भी फ्री बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं, शायद कोई दोस्त तैयारी करना चाह रहा और वो ये देख के उसको बेनिफिट हो जाए। तीन इसके स्टेप्स होते हैं, 3.0, 3.1 और 3.2। जो 3.0 है और 3.1 है ये इकट्ठे ही हो जाते हैं, लाइक आपने डायरेक्ट 3.1 नहीं करना होता। ये जो सर्टिफिकेशन है 3.1 ये विजुअल इंस्पेक्शन की है, और इसके बाद होता है 3.2 वो NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का होता है। नेक्स्ट थिंग की इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या अप्लाई करने की, तो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने कम से कम मैट्रिक किया हुआ हो, मैट्रिक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर, ऊपर तो जाहिर है जितनी स्टडी हो जाए लेकिन एटलीस्ट आपने मैट्रिक किया हो। अगर वेल्डिंग इंस्पेक्टर की जॉब्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है और जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं। पाकिस्तान में भी जो अच्छी कंपनीज हैं लाइक पार्को हो गई या टोटल हो गई या ये डेस्कोन हो गई, यहाँ पर जॉब्स मिल जाती हैं। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि बाहर यानी कि गल्फ या सऊदी अरेबिया में जाना चाह रहे हैं या दुबई में जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट DAE होना चाहिए मैकेनिकल में, बिकॉज ये मैकेनिकल की फील्ड है। मैकेनिकल में ही आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर होना चाहिए, उसके बाद आप वेल्डिंग ये सर्टिफिकेशन कर लें CSWIP की, तो वो बेटर रहता। पाकिस्तान में CSWIP करवा रहे हैं TWI लाहौर DHA 5 में, चरण जो गांव है उसके साथ ये बनता है, तो वहाँ पे ये करवा रहे हैं। और ये इसका ये सीन होता है कि आपने फर्स्ट आधी पेमेंट करनी है उनको फ़ी की, जो कि है $1500, तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होने से तो ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल इन्होंने फ़ीस रखी है $2,40,000। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी आप $1500 को कन्वर्ट कर लें, वो जो भी उनका रेट बनता होगा, तो ये इसकी फ़ीस है। आधी फ़ीस देने के बाद आपने 5 दिन की क्लासेस लेनी होती हैं, और 5 दिन की क्लासेस के बाद यानी कि फ्राइडे को अगर एंड होंगी तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा यानी कि मंडे, उस दिन को एग्ज़ाम होता है, और एक ही दिन में 5 एग्ज़ाम होते हैं कंसेक्यूटिवली, 5 एग्ज़ाम होते हैं, लाइक सुबह तकरीबन 10 से शाम 6-7 बजे आप तक आपका एग्ज़ाम ही होता रहेगा। और जो 5 क्लासेस होती हैं 5 दिन की, वो भी ऐसी होती है, सुबह 9 से 10 से स्टार्ट होगी और शाम 6-7 बजे तक चलेगी, तो 5 दिन वो आपको लेक्चर देंगे और नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा उस दिन आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। इसीलिए ये कोर्स मेरा एम है कि मैं बनाऊं कि 5 दिन वहाँ पे आप पढ़ के तो ये आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इतना ईजी नहीं है कि 5 दिन में ये सारी इसकी प्रिपरेशन हो जाए, तो इसलिए पहले घर से बैठ के थोड़ी बहुत इसकी तैयारी कर लें, बेशक बुक से, बेशक ये मैं कोर्स बना रहा हूँ इससे, और फिर जाके आप इसका एग्ज़ाम दें तो वो ईजीली क्लियर हो सकता है, ज़्यादा टफ नहीं है। टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा लाइक ट्रिकी से होते हैं, लेकिन वो भी क्लियर हो सकते हैं, उसमें भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम इसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे, लाइक अगर चैप्टर लॉन्ग हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर टॉपिक वाइज आना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर इसमें कई हैं जिसमें 4-4 इकट्ठे दिए हैं वेल्डिंग के मेथड्स। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 5 एग्ज़ाम्स होते हैं एक ही दिन में, सुबह से शाम तक, और जो पहले 2 एग्ज़ाम्स होते हैं वो थ्योरी के होते हैं और 3 एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। होता सारा मल्टीपल चॉइस है, आपने 5 के 5 एग्ज़ाम्स में से एटलीस्ट 70% स्कोर करना है पासिंग मार्क्स के लिए, 70% पासिंग मार्क्स हो। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है जनरल का और उसमें 30 MCQs होते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्ज़ाम आ जाता है टेक्नोलॉजी का, उसमें आपने 60 MCQs होते हैं और वो सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम होता है 90 मिनट्स। जैसे ही आप एक पेपर लाइक अपना डन कर लेते हैं, वो आप रिटर्न करेंगे आपको अगला पेपर मिल जाएगा, यानी कि वो आपके जो बचे हुए मिनट्स होंगे वो अगले सेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि वो 30 मिनट आपको बांध के ही रखना पड़ता है, आप वो 30 मिनट के अंदर अगर पहले सॉल्व कर लें तो आप दे दें और नेक्स्ट पेपर अपना हासिल कर लें। उसके बाद 3 प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक मैक्रो का होता है, एक प्लेट बट का होता है और एक पाइप वेल्ड का होता है। जो पाइप वेल्ड का होता है इसके लिए तकरीबन आपको 105 मिनट मिलते हैं, और जो मैक्रो का होता है इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। हर किसी में क्वेश्चंस 20 ही होते हैं, MCQs 20 होते हैं, वो आप मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स के एंड तक कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये एंड नहीं है, स्पेशली जो लोग गल्फ कंट्रीज़ यानी कि सऊदी अरब और दुबई में जाने की सोच रहे हैं,
क्योंकि जो अच्छी कंपनीज हैं लाइक अरामको, इंटरटेक और इस तरह की, तो वो स्टैंडर्ड्स पे चलती हैं. आपने वो स्टैंडर्ड्स भी, वो इंटरव्यू की तैयारी होती है आपकी, वो भी आगे मैं कोर्स में एंड पे वो बोनस इंक्लूड कर दूंगा कि जो लोग वो प्रिपेयर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं. तो उसमें आता है एजमी सेक्शन B31.3 जो है वो है प्रोसेस पाइपिंग का, वो लाजमी इंक्लूडेड होता है. यानी कि बाहर सऊदी अरेबिया में जो भी वेल्डिंग इंस्पेक्शन होती है वो मोस्टली पाइप ही वेल्ड कर रहे होते हैं, तो वो आपने प्रोसेस पाइपिंग का, क्योंकि वो सारी पेट्रोलियम और वो वाली इंडस्ट्री है, तो आपने वो सारा सेक्शंस भी पढ़ने होते हैं एसमी के. एसमी सेक्शन 931.3 और दूसरा है 16.5 जो कि प्रेशर वेसल्स. अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं सऊदी अरामको को, तो फिर आपने साइज भी करने होंगे. सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो गिनती के 5 है और कोई 8-10 पेजेस के, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये CSWIP एंड नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है किसी भी अच्छी कंपनी का, वो आपको स्टैंडर्ड्स ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उन्हें ये चाहिए होता है कि इसको स्टैंडर्ड्स का पता होगा तो ये अप्लाई करवाए. तो चलें फिर अगली क्लास में मिलते हैं. ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था. अगली क्लास में एक्चुअल हम थ्योरी के कोई टॉपिक कवर करेंगे. अल्लाह हाफिज़.